आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विकास खंड खोराबार के पंचायत चुनाव के मतगणना कार्यों का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, कहा मतगणना में कोविड प्रोटोकॉल का कराया जा रहा है पालन, देर रात तक सभी परिणाम आने की है संभावना। कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले में शुरू हुआ पंचायत चुनाव का मतगणना, ग्राम प्रधान के 1294 जिला पंचायत सदस्य के 68 पदों के साथ अन्य पदों के प्रत्याशियों का होगा भाग्य का फैसला। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपीसीटी सोनम कुमार ने कहा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नहीं निकलेगा विजयी जुलूस, शासनादेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। कैंपियरगंज विकास खंड के रामचौरा सीट से दूसरी बार ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए निकाला विजयी जुलूस, विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। खोराबार ब्लॉक के 7 काउंटर पर किया गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना, सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। पंचायत चुनाव की मतगणना में देर शाम तक हुई 375 ग्राम प्रधान और 215 बीडीसी सदस्यों के परिणाम की घोषणा, डीपीआरओ ने कहा सोमवार तक सभी परिणाम आने की है संभावना, विजय जुलूस पर है प्रतिबंध। गोरखपुर में रविवार को मिले 848 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 5 की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 42,962, अब तक 455 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान, 9,072 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। पंचायत चुनाव के लिए चरगामा ब्लॉक पर मतगणना रहा जारी, प्रधान पद सदस्य ग्राम पंचायत बीडीसी एवं जिला पंचायत सदस्यों का होगा भाग्य का फैसला। पंचायत चुनाव के रिजल्ट के उत्सुकता में मतगणना केंद्रों के बाहर लगी समर्थकों की भीड़, एसपीसीटी ने कहा प्रत्याशियों के समर्थक कर रहे हैं कोविड गाइडलाइन का पालन, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। लॉकडाउन में यात्रियों के लिए नहीं रुकी रोडवेज की बसें, बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए गंतव्य तक पहुंचाने को तत्पर रही रोडवेज की बसें। 3 दिवसीय लॉकडाउन के दूसरे दिन रविवार को भी महानगर की सड़कों पर दिखा कर्फ्यू का असर, सीओ कैंट ने कहा जनता कर रही है लॉकडाउन का पालन, सफल हो रहा है लॉकडाउन। 3 दिवसीय लॉकडाउन के दूसरे दिन भी चला सैनिटाइजेशन का महाअभियान, रेलवे स्टेशन परिसर को किया गया सैनिटाइज, अपर नगर आयुक्त ने कहा सैनिटाइजेशन से लगा कोरोना संक्रमण पर लगाम। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के दृष्टिगत लगाया गया नाइट कर्फ्यू, रविवार को भी रहा जारी, सीओ कैंट ने कहा जनता खुद कर रही नाइट कर्फ्यू का पालन।